बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 6 साइंस यूनिट नंबर 6 एटम्स एंड मॉलिक्यूल का नेक्स्ट टॉपिक यूनियन ऑफ एटम स्टडी करेंगे। यूनियन ऑफ एटम्स, देयर आर मिलियंस ऑफ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस अराउंड अस, बट एलिमेंट्स आर जस्ट 118 इन नंबर। हमारी सराउंडिंग में नेचुरली बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, मौजूद हैं, लेकिन जो हैं बट एलिमेंट्स आर जस्ट 118 इन नंबर। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे सब्सटेंसेस मौजूद हैं लेकिन उनमें जो एलिमेंट्स हैं वो 118 इन नंबर ही हैं। मीन के 118 से ज़्यादा एलिमेंट नहीं है। सब्सटेंसेस जो हैं वो हमारे सराउंडिंग में बहुत से हैं। सो व्हाट आर दोज सब्सटेंसेस मेड ऑफ, तो वो सब्सटेंसेस जो कि हमारे सराउंडिंग में मौजूद हैं एलिमेंट के अलावा, वो किस चीज़ से बने हुए हैं। दे आर मेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। वो जो सब्सटेंसेस हैं जो कि एलिमेंट के अलावा हैं, वो एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जब एटम्स कंबाइन होता है तो वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है या फिर कंपाउंड में। अ मॉलिक्यूल इज़ अ सब्सटेंस फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। मॉलिक्यूल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो ये मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन इन मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स होते हैं वो मोर देन 2 होते हैं, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनकी जो टाइप होती है वो सेम ही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज़ फॉर्म्ड व्हेन 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन। O2 फार्मूला है ऑक्सीजन का। O2 क्या है? मॉलिक्यूल है। इसके अंदर ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं और दोनों एटम्स जो हैं वो सेम हैं, तो ये मॉलिक्यूल की एग्ज़ाम्पल है। Similarly, a molecule of H2 will be formed when 2 atoms of hydrogen combine together. H2 क्या है? ये हाइड्रोजन गैस है, ये एक मॉलिक्यूल है। ये किस तरह बना है? जब हाइड्रोजन के 2 एटम्स आपस में कंबाइन हुए हैं तो H2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। दिस इज अ मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन का मॉडल है जहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन हुए हैं तो मॉलिक्यूल बना है। दिस इज अ मॉडल ऑफ ऑक्सीजन। इस मॉडल में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को प्रेजेंट किया गया कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। If the atoms of different elements join chemically, a compound is formed. जब different elements जो हैं, different elements के जो atom हैं वो आपस में combine होंगे तो compound form होगा। For example, a water का formula है H2O is a compound because it is made up of 2 different atoms, that is hydrogen and oxygen. वाटर क्या है? ये कंपाउंड है। कंपाउंड कैसे बना? ये जो वाटर कंपाउंड है कि इसके अंदर 2 डिफरेंट एटम्स जो हैं, 2 डिफरेंट एटम्स कौन से हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये आपस में कंबाइन हुए हैं तो वाटर का जो कंपाउंड है वो फॉर्म हो गया। इन द सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2 विच इज़ फॉर्म बाई कंबाइनिंग एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन इज़ आल्सो अ कंपाउंड। कंपाउंड की एक और एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी 2 डिफरेंट एलिमेंट्स कौन से? कार्बन एंड द सेकंड वन इज़ ऑक्सीजन। ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंपाउंड है वो फॉर्म हो रहा है। एटम्स कंबाइन विद ईच अदर टू गिव अस मॉलिक्यूल। जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या मिलता है? मॉलिक्यूल हमें मिलता है। मॉलिक्यूल एग्जिबिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देन एन एटम। मॉलिक्यूल के पास जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं अगर हम एटम के साथ कंपेयर करें। एटम की और मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं।
द फॉलोइंग टेबल एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। अब हम स्टडी करेंगे टेबल में, जिस टेबल में शो किया गया कि एटम और मॉलिक्यूल के बिटवीन क्या डिफरेंस है। करैक्टरिस्टिक्स, करैक्टरिस्टिक्स मीन प्रॉपर्टीज, मीन खसूसियात। करैक्टरिस्टिक्स किसकी है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल। फर्स्ट इज डेफिनेशन, व्हाट इज एटम? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। मैटर जो होता है वो किससे बनता है? वो एटम से बनता है, इसीलिए एटम को कहते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का। एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, और एटम जो होता है वो किसी भी एक एलिमेंट का ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, मॉलिक्यूल। टू और मोर एटम्स ज्वाइन केमिकली टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। एग्जिस्टेंस, मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल व्हेन एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली। एटम में जो ज़्यादातर जो होते हैं एटम्स, वो क्या, वो अनस्टेबल होते हैं। मतलब अनस्टेबल का मतलब एक जगह वो रुके हुए नहीं होते, बिल्कुल बेचैन हुए होते, अनस्टेबल होते हैं। जब किस कंडीशन में होते हैं? जब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। इंडिपेंडेंटली मीन जब वो एटम्स अकेले होते हैं तो वो क्या होते हैं? वो अनस्टेबल होते हैं। मॉलिक्यूल स्टेबल एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ये स्टेबल होते हैं। स्टेबल मीन कि इनमें कोई बेचैनी नहीं होती, एक जगह रुके होते हैं, स्टेबल होंगे और एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि ये हमारे सराउंडिंग में मौजूद होंगे इंडिपेंडेंटली, आज़ादी से मौजूद होते हैं। डिविजिबिलिटी, कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इंटू सिंपलर फॉर्म। एटम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मॉलिक्यूल कैन बी सेपरेटेड इंटू एटम यूजिंग केमिकल मेथड। मॉलिक्यूल को हम सेपरेट करके उसको एटम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं केमिकल मेथड यूज़ करके। एग्जाम्पल ऑफ एटम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम एक्सेट्रा। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सोडियम, ये एग्जाम्पल हैं एटम की। इस तरह और भी बहुत सारे एटम्स होते हैं। मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस एक्सेट्रा। हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस जो है, ये एग्जाम्पल है मॉलिक्यूल की। व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन केमिकली, दे लूज देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज एंड बिहेव डिफरेंटली इन अ कंपाउंड। जब डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स केमिकली ज्वाइन होते हैं तो वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ को क्या कर देते हैं? वो लूज़ कर देते हैं। मतलब वो अपनी इंडिविजुअल, एक सोडियम की जो एक अपनी प्रॉपर्टी होगी वो उसको लूज़ कर देंगे। कब? जब वो सोडियम एटम जो है क्लोराइड एटम के साथ कंबाइन होगा तो उसकी जो अपनी प्रॉपर्टीज़ है वो ख़त्म हो जाएंगी। एंड बिहेव डिफरेंटली इन अ कंपाउंड, और कंपाउंड में मुख्तलिफ़ तरीके से ये बिहेव करेंगे। The comparison table given below shows how atoms behave differently in element and compound. एक comparison table जो होगा वो next अभी explain करेंगे। तो उसमें ये बता रहे हैं कि element और compound में जो atoms होते हैं वो किस तरीके से behave करते हैं। Characteristics, एलिमेंट एंड कंपाउंड। इस चार्ट पे हम एलिमेंट एंड कंपाउंड को कंपेयर करेंगे। डेफिनेशन, एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है? अ प्योर केमिकल सब्सटेंस मेड अप ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द सेम टाइप। एलिमेंट क्या है? ये एक प्योर केमिकल सब्सटेंस है जो कि एटम के कंबाइन कम्बिनेशन से बनता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। और लेकिन जो एटम्स होंगे उनकी जो टाइप होगी वो बिल्कुल सेम होगी। कंपाउंड, कंपाउंड आर फॉर्म व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर केमिकली। कंपाउंड की फॉर्मेशन कब होगी? जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। डिविजिबिलिटी, एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। एलिमेंट जो है उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, कि उसको सिंपलर सब्सटेंस में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। कंपाउंड, कंपाउंड कैन बी ब्रोकन इनटू बाय अ केमिकल प्रोसेस। कंपाउंड को हम ब्रेक कर सकते हैं एक स्पेशल केमिकल प्रोसेस के ज़रिए। रिप्रेजेंटेशन, एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंपल।
एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबल के जरिए। कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय आ केमिकल फार्मूला, जबकि जो कंपाउंड होते हैं, अगर हमने कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना है तो उसको केमिकल फार्मूले के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर, देयर आर 118 एलिमेंट्स। हमारे सराउंडिंग में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है? 118 एलिमेंट। कंपाउंड क्या है? द नंबर ऑफ कंपाउंड इज न्यूमरस, लेकिन हमारी सराउंडिंग में कंपाउंड के जो नंबर्स है, यानी कि नंबर ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड की जो तादाद है वो न्यूमरस है, यानी कि बहुत सारी है। एग्जांपल, आयरन, कॉपर, ऑक्सीजन, एटीसी। एलिमेंट की एग्जांपल है आयरन, कॉपर एंड ऑक्सीजन। कंपाउंड, कंपाउंड की एग्जांपल है वाटर एंड सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा। कंपाउंड की एग्जांपल है वाटर और सोडियम क्लोराइड।